असलम नाजरीन, आज क्योंकि LHDC का हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल की इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो आज हम पहुंचे हैं TSG ब्लॉक में। यहां से अपने लोगों से जानते हैं कि उनकी मुश्किलात क्या है इन प्रीवियस काउंसिल के जितने हुकूमत रहा है, इसका क्या बेनिफिट्स रहा, आप लोगों से कुछ जानते हैं। आइए, मेरे साथ आज अभी मौजूद है जी, आपका नाम? सज्जाद हुसैन साहब। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि अभी एक महीने के बाद अगस्त में इलेक्शन नज़दीक है, तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन के बारे में, इस बारे में थोड़ा बताइए। इलेक्शन तो हमारा मतलब हर किसी का राइट है इलेक्शन लेना। जी, मतलब हमारे यहाँ पे एक हुकूमत अच्छी तरीके से बनना चाहिए। जी, तो हुकूमत बनने के बाद कम से कम लोगों के लिए, मतलब लोगों की अच्छी सहूलियत के लिए काम करना चाहिए। जी, बाकी मतलब जो मतलब झूठे वादे नहीं करने चाहिए। जी, जो मतलब वादे करते हैं उनको अच्छी तरीके से पूरा करना चाहिए। जी, अब बात का किया जाए तो पिछले 2013 में जो इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे आप जैसे यहाँ पे हर पार्टियाँ के वोट मांगा, डेवलपमेंट के लिहाज से भी बात किया, आपको वो देंगे, तो क्या इन 5 सालों में क्या डेवलपमेंट देखने को मिला, आप इस बारे में थोड़ा बताइए। हम अपने गाँव के लेवल के बारे में बात करें तो इस मतलब जो हमारे काउंसिल थे उन्होंने हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया है। जो मतलब इलेक्शन के टाइम में था वो बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे कि हमें मतलब ये छुतुक प्रोजेक्ट बन गया था। उस टाइम छुतुक प्रोजेक्ट बनाते वक्त यहाँ पे मतलब ये LCC वालों ने हमारे मतलब जो ये ज़मीन है उसमें ऐसे डंपिंग यार्ड बनाया था, तो उसमें मतलब इसको ये मतलब एग्रीकल्चर के तौर पर मतलब डेवलप करने के लिए कहा था, प्लांटेशन लगाने के लिए कहा था, तो ये सब कुछ नहीं हुआ। हम कई बार काउंसिल के पास किया था, ये लिफ्ट इरीगेशन के लिए हमने मतलब अप्लाई किया था, दरख्वास्त दिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी हमारा मतलब जो जितने भी मतलब यहाँ पे जो बंजर ज़मीन है उसमें मतलब पूरा ये डंप करके मतलब जो डंपिंग बना के उसको ऐसे ही छोड़ के रखा है। इसको मतलब किसी भी सूरत में मतलब ये प्लांटेशन होना चाहिए, उसमें मतलब ये लिफ्ट इरीगेशन का कुछ स्कीम होना चाहिए। जी, आप अगर आपके गांव में यहाँ पे तरबी चूल है तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम की बात करें तो ये इन दोनों सिस्टम ये खास माना जाता है, तो इन दोनों के बारे में बताइए थोड़ा। एजुकेशन सिस्टम में तो आजकल के मतलब जो हमारे जो बच्चे हैं तो एजुकेशन के लिए तो गांव से मतलब आगे बहुत मतलब आगे जाते हैं। कारगिल में मतलब यहाँ से कारगिल मतलब 10-12 किलोमीटर है, वहाँ पे मतलब पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बाकी मतलब वहाँ से निकल कर फिर श्रीनगर जम्मू के लिए जाते हैं। अच्छी बात है, मतलब एजुकेशन तो हमारे बच्चों के मतलब हर किसी के लिए ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए मतलब ज़रूरी है। तो बाकी एजुकेशन के मतलब सिलसिले में तो मतलब ठीक ही है। बाकी जो हमारा यहाँ पे हेल्थ का जो है, हेल्थ का मसला है, यहाँ पे एक मतलब सब सेंटर दिया हुआ है, लेकिन इतना मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है कि मतलब कोई मतलब एमरजेंसी मतलब फर्स्ट एड मतलब जो करें उसके लिए मतलब इतना फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब ऐसे ही मतलब रूटीन के लिए चलते हैं बस। आपके पहले वाले अभी सिटिंग काउंसलर्स जो है वो क्या आपके मुश्किलात का इजाला करने के लिए यहाँ पे आपकी क्या मुश्किलात है, आप लोगों से यहाँ पे देखने के लिए कभी हम विजिट करते हैं कि नहीं? देखिए सर, मतलब जिस टाइम वोटिंग होता है उस टाइम काउंसलर खुद यहाँ पे आके मतलब लोगों से मिलते हैं, दरबार लगाते हैं। देखो मतलब मेरे मतलब दौर में जब मैं मतलब इलेक्शन में जीतूंगा तो मैं आप लोगों के लिए मतलब आपके जो बड़े बड़े डिमांड्स हैं वो हम पूरा करेंगे, मतलब जो भी डिमांड्स हैं हम पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है इलेक्शन के बाद, जब कुर्सी पर मतलब कोई भी मतलब काउंसलर हो जब कुर्सी पर मतलब बैठते हैं उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं तो मतलब काउंसलर को मतलब हमारे जो कैंडिडेट मतलब जो काउंसलर हैं उनको कम से कम मतलब इसी 5 साल में या 3 साल रहो या 5 साल रहो, उसी मतलब 3-5 सालों में कम से कम गांव में आकर मतलब लोगों से थोड़ा बहुत लोगों के मुश्किलात के साथ मतलब थोड़ा बहुत डिस्कस होना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं है आज तक, क्योंकि हमारे जो गाँव है वो हमारा मतलब एक छोटा गाँव है, ये थोड़ा बैकवर्ड मतलब गाँव है। लेकिन मतलब जो काउंसलर है मतलब कोई भी हो मतलब यहाँ आके थोड़ा मतलब लोगों के साथ मतलब अपने मतलब हमारे मुश्किलात का थोड़ा बहुत डिस्कस होना चाहिए। आने वाले काउंसिल इलेक्शन में आप अपनी एरिया से किस तरह के कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। कैंडिडेट तो मतलब
चुनना तो है, मतलब किसी भी कैंडिडेट को चुनना है, लेकिन जिस कैंडिडेट को भी चुनाएंगे हम, मतलब पब्लिक वोट दे के चुनाएंगे, लेकिन उनको मतलब पब्लिक के थोड़ा मतलब प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए, प्रॉब्लम्स को मतलब ये सॉल्व करना चाहिए, जो भी मुश्किल है उनके साथ मतलब पब्लिक के साथ मिलकर मतलब डिस्कस करना चाहिए। बाकी रोड के हमारे जो रोड अभी जो रोड है वो मतलब NHPC वालों ने बनाया था, जिस टाइम हमारे ये HCC का काम चलता था यहाँ पे चितु भाइडल प्रोजेक्ट का, तो HCC वालों ने ही बनाया था ये रोड को। अभी तक हमने मतलब काउंसिल के पास भी गया, हमारे काउंसलर के पास भी गया, हमारे मतलब हिल काउंसिल के चेयरमैन साहब के पास गया, इसको मैग्नमाइज होना चाहिए, तो मैग्नमाइज अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि रोड मतलब खासकर मार्च अप्रैल में हमें यहाँ से मतलब चलने में बहुत प्रॉब्लम आता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आप अभी देख रहे थे, आप TSG ब्लॉक में खुद लोगों से सुना कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है। हिल डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन TSG ब्लॉक से यू न्यूज़ के लिए कैमरामैन रजत वोरा के साथ मोहम्मद हुसैन।